नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण छ विषय सामाजिक विज्ञान भाग बे। भाग एक में आपणे भारतीय राजकीय व्यवस्था अने संस्थाओं विषयनी माहिती शेमाथी मळे छे तेनी चर्चा करी, जनपद अने महाजनपद विषयनी पण चर्चा करी। हवे आपणे राजाशाही राज्य व्यवस्था ते मुद्दानी चर्चा करीशू। जे राज्यतंत्र में राजा मुख्य हता ते राजाशाही राज्यतंत्र कहवाता। राजाशाही राज्यतंत्र कोने कहेवामां आवता? तो जे राज्यतंत्र में राजा ने मुख्य गणवामां आवता ते राजाशाही राज्यतंत्र कहवाता। आ समयना महाजन पदों वच्चे सत्ता माटे हरीफाई रहती, जेमा मुख्यत्वे चार शक्तिशाली राज्यतंत्रों मगध, कोसल, वत्स, अवंती वच्चे विशेष स्पर्धा रहती, जेमा आखरे मगध शक्तिशाली राज्य तरीके प्रख्यात थयो। तो आ राजाशाही राज्य व्यवस्था जेनो मतलब छे कि राज्यतंत्र में मुख्य व्यक्ति तरीके राजा होय छे। तो आ समयना महाजन पदों वच्चे खूबज हरीफाई थती हती, साना माटे? सत्ता माटे। तो आ हरीफाई समय दरमियान चार शक्तिशाली राज्यतंत्रों हता। कया चार शक्तिशाली राज्यतंत्रों हता? तो मगध, कोसल, वत्स अने अवंती। अने आ चार शक्तिशाली राज्यों वच्चे अवारनवार स्पर्धाओ थती, जेमा मगध ए शक्तिशाली राज्य तरीके प्रख्यात थयुं। तो शक्तिशाली राज्य कयुं छे? तो मगध। मगध राजाशाही राज्यतंत्र में बुद्धना समय में मगध राज्य शक्तिशाली महाजन पद बन्यू हतु। मगध में त्रण मजबूत वंशोए शासन कर्यु। राजाशाही राज्यतंत्रना समय में मगध राज्य ए खूबज शक्तिशाली महाजन पद बन्यू हतु। आ मगध राज्य ए पण एक महाजन पद छे अने तेने शक्तिशाळी राज्य गणवामां आवतुं। मगधमां त्रण मजबूत वंशोए शासन कर्युं। ए त्रण वंशो विशे आपणे जोईए। पहेलो वंश छे हर्यक वंश। तो आ वंशनो स्थापक बिंबिसार नामनो राजा हतो। मगधनी राजधानी तरीके राजगृह हती, जे गंगा अने सोण नदीना किनारे आवेलुं हतुं। तेना पछी तेनो पुत्र अजात शत्रु शासन पर आव्यो। तेणे पाटलिपुत्र ने राजधानीनुं स्थान बनाव्युं हतुं। तेणे वज्जिसंघ साथे युद्ध करी लिच्छवीओने हराव्या हता अने मगधनो राज्य विस्तार कर्यो हतो। तो मगधमां जे त्रण वंशजो हता मजबूत, एमांनो पहेलो वंशज छे हर्यक वंश। तो हर्यक वंशनो स्थापक कोण हतो? बिंबिसार। तेने मगधनी राजधानी तरीके राजगृह तेने पसंद करी हती, जे गंगा अने सोण नदीना किनारे आवेलू हतु। बिंबिसार पछी कोण आव्यु गादी उपर? तो तेनो पुत्र अजात शत्रु। तेने राजधानीनु स्थान कयु बनाव्यु हतु? पाटलिपुत्र। तेने वज्जिसंघ साथे युद्ध करीने कोणे हराव्या हता? तो लिच्छवीओने, अने मगधनो राज्य विस्तार कर्यो हतो। बीजो वंश छे नागवंश। हर्यक वंश बाद नागवंश सत्ता पर आव्यो, जेमा शिशुनाग नामना बौद्ध धर्म साथे संकळायेल राजानो समावेश थाय छे। ज्यारे हर्यक वंशनो अंत आवी गयो ते पछी कयो वंश सत्ता पर आव्यो? नागवंश। तो तेमा बौद्ध धर्म साथे संकळायेल राजा जेनुं नाम छे शिशुनाग, ते आ वंश साथे एटले के आ सत्ता उपर आव्यो। त्यार पछीनो त्रीजो वंश छे नंदवंश। महापद्मनंद द्वारा स्थापित नंदवंश सौथी शक्तिशाळी वंश हतो। आ जे त्रण वंश छे हर्यक वंश, नागवंश अने नंदवंश, ए पैकी सौथी शक्तिशाळी वंश कयो हतो? तो नंदवंश। महापद्मनंद भारतनो सौप्रथम साम्राज्य निर्माता गणाय छे। ते वखते एनो राजा हतो महापद्मनंद,
जे भारतनो सौप्रथम साम्राज्य निर्माता गणाय छे। तेना समयमां मगध भारतनो सौथी शक्तिशाली राज्य बनी चूक्यु हतु। सिकंदरना भारत परना आक्रमण समये मगध पर नंदवंशनो धननंद नामनो राजा शासन करतो हतो। ज्यारे सिकंदर नामना राजाए भारत पर आक्रमण कर्यु ते समये आ मगध राज्य उपर नंदवंशनो शासन चालतु हतु। ते वखते धननंदन नामनो राजा आ नंदवंशनी गादी उपर शासन करतो हतो। तो आपणे सौथी शक्तिशाळी राज्य क्यूँ गणू छे? मगध। महाजन पदोना जे पांच राज्य हता एमांथी सौथी शक्तिशाळी राज्य क्यूँ छे? मगध। अने मगध में पण त्रण मजबूत वंशोए कया कया वंशोए शासन कर्यु छे? तो हर्यक वंश, नागवंश अने नंदवंश। हवे आपणे जोईशुं गणराज्य। गणराज्य एटले लोको द्वारा प्रत्यक्ष के परोक्ष पद्धति वडे चूंटायेला वड़ा द्वारा शासित राज्य। गणराज्यनो मतलब शुं थाय छे? तो के लोको द्वारा प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते जे वड़ाने चूंटवामां आवे छे ने वड़ा द्वारा जे स्थापित राज्य थाय छे तेने गणराज्य कहेवामां आवे छे। गणराज्य प्राचीन राज्य व्यवस्था तथा शासन पद्धतिनुं नोंधपात्र लक्षण हतुं। गणनो सामान्य अर्थ समूह थाय छे। गणनो सामान्य अर्थ शुं थाय छे? समूह। बधो एक साथे बधा भेगा थया होय एने आपणे समूह कहीए छीए, जेनो अर्थ छे गण। एक करता वधारे सभ्य संख्यानी मददथी चालतुं राज्य ए गणराज्य कही शकाय। एक करता वधारे सभ्य संख्यानी मददथी एटले के एक व्यक्ति नथी चलावतुं पण एनाथी वधारे लोको बधा भेगा मळीने राज्य चलावता होय एने गणराज्य कही शकाय। आ समय केटलाक एवा पण राज्यो हता के जेमां राजाने जनता द्वारा पसंद करवामां आवतो हतो। आ समय एवा राज्यो पण हता जेमां राजाने लोको द्वारा पसंदगी थती हती, जनता द्वारा पसंदगी करवामां आवती हती। आवा राज्यने गणराज्य कहेवामां आवतुं, जेमां वैशालीना लिच्छवीओ, कपिलवस्तुना शाक्यो, मिथिलना विदेह, कुशीनारा मल्लो वगैरे प्रजाओना गणराज्यो हता। हवे गणराज्यो कया कया हता? तो वैशालीना लिच्छवीओ, कपिलवस्तुना शाक्यो, मिथिलाना विदेह, कुशीनारा मल्लो वगैरे प्रजाओना गणराज्यो हता। आ प्रकारनी राज्य व्यवस्था में प्रत्येक सभ्य ने राजा जेवो दरज्जो आपवामां आवतो। जे आ राज्य व्यवस्था हती गणराज्यनी ए राज्य व्यवस्था में जे पण कोई सभ्य छे ए दरेक सभ्य ने राजानो दरज्जो आपवामां आवतो हतो। अहीं आटलू जाणो के गण, गणनो मतलब थाय छे गण शब्द घणा सभ्यवाळा समूह माटे वपरातो। गण एटले जूथ अथवा तो समूह। अने संघ, तो संघनो मतलब एटले के संगठन अथवा सभा। संघनो मतलब शुं थाय छे? संगठन अथवा सभा। त्यार पछीनो मुद्दो छे वैशाली वज्जी राज्य। एटले वैशालीनुं वज्जी राज्य। राजसत्ताक महाराज्यो आसपासना प्रदेशों ताबे करीने पोतानी सत्ता वधारवा अने साम्राज्य स्थापवानी महत्वाकांक्षा राखता। एटले आ वैशालीना जे वज्जी राज्यो हता तेमनी महत्वाकांक्षा कई हती? तो के आसपासना प्रदेशोंने पोताना ताबा हेठळ लावी देवो अने पोतानी सत्ता वधारवा अने साम्राज्यने स्थापवानी आ एमनी महत्वाकांक्षा हती। आ जोईने लिच्छवी, वज्जी, ज्ञातुक, वैदेह, शाक्य, मल्ल वगैरे आठ के नव जातिना लोकोए पोतानुं रक्षण करवा जे संघ राज्य स्थाप्यु ए वज्जी संघ नामे ओळखायुं। हवे जे नव जातिना लोको हता कया कया? तो लिच्छवी, वज्जी, ज्ञातुक, विदेह, शाक्य, मल्ल वगैरे एवा आठ के नव जातिना लोको हता। एमणे पोतानुं रक्षण करवा माटे एक अलगथी संघ राज्य स्थाप्यु अने जे अलगथी जे संघ राज्य स्थाप्यु हतुं एनुं नाम आप्युं छे वज्जी संघ। ए संघ राज्यनुं मुख्य स्थान लिच्छवीओनुं पाटनगर वैशाली हतुं। हवे
आज नवजाति पोताना रक्षण माटे जे संघराज्य ने स्थापना करी हती तेनु मुख्य स्थान लिच्छवियोनु पाटनगर वैशाली हतु। आथी तेने वैशालीना वज्जी संघनु गणराज्य कहेवामां आवतुं। आथी आपणे अहींया जोईए छे के वैशाली वज्जी राज्य एटले के तेना एटला माटे ज तेने वैशालीना वज्जी संघनु गणराज्य कहेवामां आवतुं। गणराज्यना राज्य वहीवटनु संचालन सभा द्वारा थतु। राज्य वहीवटनु संचालन सेना द्वारा थतु? सभा द्वारा, जेना कारणे तेने गणतंत्र कहेवामां आवतुं। गणराज्यमां राजनी बधी सत्ता सभ्यो पासे रहती। गणराज्यमां शुं हतुं के राज्यनी बधी सत्ता कोनी पासे रहती? तो सभ्यो पासे रहती, केम के सभ्योने दरेकने राजा गणवामां आवतो हतो। सभामां सभ्यो बेसता अने बधा कामकाज गणसभामां रजू थईने बहुमत के सर्वानुमते पसार थता। ज्यां सभा भराती ते जग्याने संथागार तरीके ओळखाती। हवे गणराज्योनी ज्यां सभा भराती ते जग्याने कया नामे ओळखातुं? संथागार। गणराज्योनी ज्यां सभा भराती ते जग्याने संथागार तरीके ओळखाती। गणराज्यनी सभामां सभ्य तरीके वृद्ध तेमज युवानोनी पसंदगी थती। गणराज्यनी जे सभा हती, सभा भराती हती, तेमां कोनी पसंदगी वधारे करवामां आवती? तो वृद्ध अने युवानोनी। गणराज्य राज्य वहीवट माटे पोतानो प्रमुख पसंद करता हता, जेनी पसंदगी चूंटणी करीने करवामां आवती। गणराज्यमां प्रत्येक सभ्यने राजा गणवामां आवतो, अगाउ आपणे जोई लीधुं। गणराज्यनी पोतानी एक सभा हती जेमा वहीवट, संरक्षण, युद्ध, संधि जेवा घणा महत्वना प्रश्नों पर चर्चा थती अने पछी निर्णय लेवातो। ज्यारे आ लोकोनी सभा भराती त्यारे एवं छे कि गणराज्यमां प्रत्येक सभ्यने राजा गणवामां आवतो, एटले के बधाना विचारोने त्यां रजू करवामां आवता, अने जेमां वहीवट, संरक्षण, युद्ध, संधि जेवा घणा महत्वना जे प्रश्नों होय ते प्रश्नों पर चर्चा विचारणा थती अने पछी तेना लगता नियमो निर्णयो लेवाता। कोईपण सभ्य नियत थयेला समय सुधी ज सभ्यपद भोगवतो। गणराज्यना प्रमुखने एक कार्यवाहक समिति राज्य वहीवटमां मदद करती हती। हवे आ गणराज्यमां जे पण सभ्यनी नियुक्ति करवामां आवती ते पोताने समय मर्यादा सुधी ज पोतानो वहीवट चलावता, पछी तेने सभ्यपद भोगवा मळतुं नहीं। हवे आगळ गणराज्य समयनुं समाज जीवन अने राज्य व्यवस्था। हवे गणराज्य समय वखते तेमनुं समाज जीवन केवुं हतुं अने तेमनी राज्य व्यवस्था केवी हती तेना विशेनी चर्चा करीए। पुरातत्व शास्त्रीओना मते आ समये लोको सादा घरोमां रहेता हता। पुरातत्व शास्त्रीओए आपणे तो कंई जोवा गया नथी के गणराज्य समयमां केवुं समाज जीवन हतुं, केवी राज्य व्यवस्था हती, ए तो आपणने कोईने ख्याल ज नथी। परंतु आपणे कोनी मदद वडे आ बधुं जाणी शकीए छीए? तो पुरातत्व शास्त्रीओनी मददथी। तो अहीं पुरातत्व शास्त्रीओ एवुं कहे छे कि ए समयना लोको सादा घरोमां रहेता हता, पशुपालन प्रवृत्ति साथे संकळायेल हता। आ समय घऊं, चोखा, जव, शेरडी, तल, सरसव, कठोळ जेवा पाको थता हता। गणराज्यना समय वखते कया कया पाको थता हता? तो घऊं, चोखा, जव, शेरडी, तल, सरसव, कठोळ जेवा पाको थता हता। लोको माटीना वासणनो उपयोग विशेष प्रमाणमां करता हशे, एवुं केम हशे कीधुं छे? तो पुरातत्व शास्त्रीओना मते एटले के ए लोकोने खोदकाम करता आवा माटीना वासणो मळी आव्या छे, माटे एवुं कीधुं छे के ए वखते लोको माटीना वासणनो उपयोग वधारे करता हशे, कारण के पुरातत्व शास्त्रीओने आवा केटलाक माटीना वासणो मळी आव्या छे। आ समयना माटीना केटलाक वासणો ઉપર ચિત્રકામ થયેલ જોવા મળે છે, જે તમને અહીં ચિત્રમાં જોવા મળે છે। आ जे माटीनुं वासण छे तेना उपर अहीं चित्र दोरेलुं आपणने देखाय छे। आ वासणो भूखरा रंगना चित्रित वासणो छे, जेनुं नाम छे घुसर पात्र। माटीना वासण पर चित्र दोरेला होय एवा वासणोने जेनो रंग केवो होय? भूखरा रंगनो। तो एवा वासणोने घुसर पात्र कहेवामां आवे छे। आ समये કોઈપણ રાજ્યનો શાસક પોતાના રાજ્યના સંરક્ષણ માટે શક્ય બધા જ ઉપાયો કરતો।
हवे स्वाभाविक छे के कोई पण शासक सत्ता ऊपर आवे एटले पोताना राज्यना रक्षण माटे कई पण कार्य करी सके, कोई पण उपायो पण ते शोधे। आ माटे राज्यनी राजधानीनी आसपास किल्लाओ बांधवामां आवता, जे तमने अहीं चित्रमां जोवा मळे छे। अहीं तमने चित्रो आपेला छे, आ किल्लाओ किल्लाओनी दीवालो देखाय छे आपणने। तो अहीं किल्लाओ एटले के ज्यां राज्यना राजधानी होय तेनी आसपास आवा किल्लाओ बनावामां आवे छे। आ किल्लाओ मजबूत अने ऊंचा बांधवामां आवता, तेमां पुष्कळ प्रमाणमां पत्थर अने ईंटनो उपयोग करवामां आवतो। केटलाक राजाओ पोतानी शक्ति अने समृद्धिनो प्रदर्शन करवा माटे पोताना राज्यनी फरते विशाळ ऊंची अने भव्य दीवालो तैयार करावता, आवी दीवालोनी पण रचना करावता। प्रयागराजथी मळेल ईंटनी दीवाल आश्रे 2500 वर्ष पहेलानी गणाय छे, एटले संभवतः आ समय आवा ऊंची दीवालवाळा किल्लाओ बांधवामां आवता हशे। एवुं केम कीधुं के आवी ऊंची दीवालवाळा किल्लाओ बांधता हशे? तो एवुं कहे छे के प्रयागराजमांथी, प्रयागराज एक स्थळ छे, तो त्यांथी आपणने एक ईंटनी दीवाल मळेली छे जे लगभग 2500 वर्ष पहेलानी गणाय छे। એટલે એવું કહી શકાય કે આ ઊંચી દિવાલવાળા કિલ્લાઓ બાંધવામાં આવતા હશે એવું આપણે કહી શકીએ। અહીં તમને જે ચિત્ર આપ્યું છે તે ઈંટોના કિલ્લાની દિવાલ છે જે પ્રયાગરાજમાંથી અલ્હાબાદમાંથી મળી આવેલ છે। આ સમયના તમામ મહાજન પદોને વિશાળ સેના અને સંરક્ષણ માટે મજબૂત કિલ્લાની જરૂરિયાત રહેતી। આ જરૂરિયાતને પૂરી કરવા લોકો પાસેથી કર લેવામાં આવતો। હવે આ જે વિશાળ મહાજન પદો છે અને તેમની જે વિશાળ સેના છે તેના સંરક્ષણ માટે એક મજબૂત કિલ્લાઓની જરૂર પડતી અને એ જરૂરિયાતને પૂરી કરવા લોકો પાસેથી કર લેવામાં પણ આવતો। ખેતીના પાક પર 6ઠો ભાગ ખેડૂતો રાજકોષમાં આપતા। કારીગર વર્ગ એક માસમાં એક દિવસ રાજ્યને કામ કરી આપતો। પશુપાલકો કરના ભાગરૂપે પશુઓ આપતા। વેપારીઓ સામાનના ખરીદ વેચાણ પર કર આપતા હતા। તો કેવી રીતે કર આપતા હતા? તો ખેતી, જે ખેતી વાવતા હોય તે જેને જે પાકનું ઉત્પાદન થયું હોય તેનો 6ઠો ભાગ રાજ્યમાં આપતા। પછી જે કારીગર વર્ગ છે એ કારીગર વર્ગ એક મહિનામાં એક દિવસ મફત કામ કરી આપતા। પછી જે પશુપાલકો રાખે છે તો તે કરના રૂપે શું આપતા? પશુઓને આપતા। વેપારીઓ શું કરતા? તો સામાનના ખરીદ વેચાણ પર કર આપતા હતા। તો આવી રીતે કર ઉઘરાવતા અને મહાજન પદોને વિશાળ સેના અને રક્ષણ આપતા હતા। મહાજન પદોના સમયગાળામાં લોખંડના ઓજારોને લીધે ખેતીમાં સુધારા થવા લાગ્યા। તો આ મહાજન પદોના સમયગાળામાં લોખંડના ઓજારો મળી આવેલા હોવાથી એવું કહી શકાય કે ખેતીની સુધારાત્મક ક્રિયા પણ તે સમયે થવા લાગી છે। તો અહીં આપણું પ્રકરણ પૂર્ણ થાય છે। અસ્તુ।